नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं 5 मिनट में 25 फटाफट खबरों को। फूट फूट कर रो पड़े कोलेबेरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की मौजूदगी में मांगी माफी। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे प्लामो के जीप उपाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह। देवघर में अभी और बढ़ेगी गर्मी, तीखी होगी धूप, 4-5 दिनों के बाद चलेगी लू। झारखंड के सभी पंचायत में लगेगी रेनगेज मशीन, 40 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन तैयार, 30 अप्रैल तक हैंड ओवर करने की हो रही है तैयारी। झारखंड में कोरोना के 26 नए मामले, कुल एक्टिव केस की संख्या हुई 150 के पार। कोडरमा के झुमरी तलैया में मिला एक व्यक्ति का शव, जमीन विवाद में हत्या की है आशंका। बोकारो के मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़ी मूर्ति, लोगों में आक्रोश। नक्सलियों का बिहार झारखंड बंद, हाई अलर्ट पर है रेलवे, संवेदनशील इलाकों में स्कोर। चतरा मुठभेड़ में शामिल 15 लाख के इनामी नक्सली इंदल गंज ने किया सरेंडर। जून से शुरू होगा देवघर बासुकीनाथ फोरलेन का काम, कांवरिया पथ से श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। न्यू ग्रीडी से रांची के बीच 17 अप्रैल से चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस, विस्टाडोम कोच से दिखेगा खूबसूरत नजारा। झारखंड में सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब बना सकेंगे सिर्फ बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ऑनलाइन हाजिरी पर ही मिलेगा वेतन। बिजली संकट पर सीएम हेमंत सोरेन सख्त, ऊर्जा सचिव से बोले पैसा लगता है तो लगने दें पर कटौती ना हो। माओवादी बंदी के पहले दिन चतरा में मिला जुला असर, लंबी दूरी के वाहनों का परिचालन ठप। झारखंड में बादल छाए रहने से गर्मी से मिलेगी राहत, कई जिलों में होगी बारिश। लातेहार में सीआरपीएफ को मिली बड़ी सफलता, भारी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद। बिहार के गया में एएसआई पिता कर रहे हैं अपराध नियंत्रण का काम, बेटा झारखंड में दे रहा है डकैती और लूट की घटना को अंजाम। सचिवालय घेराव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं को नोटिस, पुलिस जल्द करेगी पूछताछ। देवघर में बालू माफिया का बड़ा हौसला, जिला खनन पदाधिकारी को ट्रैक्टर से कुचलने का किया प्रयास। एसएनएमसीएच में इलाजरत पूर्व विधायक संजीव सिंह के समर्थकों में नाराजगी, ठीक से इलाज नहीं करने का लगाया आरोप। जमताड़ा के एक टेंट हाउस गोदाम में लगी आग, करीब 40 लाख रुपए का हुआ नुकसान। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।